is nice, amazing. I liked it. It's very romantic. سلام، احمد هستم از ایران. خیلی خوشحال اومدم هندوستان. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं चलो चलते हैं। तो दोस्तों, मैं भी ठीक आज आ गया हूं यहां पर आगा खान पैलेस पुणे में, और आज मैं आप लोगों को इस जगह की पूरी सैर कराऊंगा। तो यदि आप लोगों को इस जगह के बारे में नहीं मालूम तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो यदि ये जो है एक काफ़ी ऐतिहासिक जगहों में से एक जगह है दोस्तों, इसको जो है 1892 में आगा खान पैलेस तृतीय ने बनवाया था, जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, जिसको कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस समय जो है ठीक में इस प्लेस के यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, तो इनको जो है यहाँ पर हाउस अरेस्ट करके रखा गया था दोस्तों। मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ। इसके जो अंदर आने की टिकट है दोस्तों, वो 15 रुपये की टिकट है। मैं वहाँ से ठीक लेकर आया हूँ। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाऊँगा इससे जुड़ी कई सारी चीज़ें। तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके गाइस, सो अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। अब मैं आपको इससे जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अभी दोस्तों यहाँ एक्चुअली जो है इस जगह में वैसे 5 हॉल है यहाँ पर टोटल। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 5 हॉल है, उसमें से मैं 1 हॉल में आ गया हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स दिख रही है, महात्मा गांधी जी की काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। और आप ठीक मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी और उनकी जो वाइफ है कस्तूरबा गांधी, उन दोनों का स्टेचू यहाँ पर बना हुआ है। और यदि हम थोड़ा सा आगे और घूमें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर जो है काफ़ी सारी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पेंटिंग्स है, और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी पिक्चर्स भी यहाँ पर है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ठीक। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं कि इसके यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ थोड़ा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ जो है काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं उनकी, और ठीक यहाँ पर लोकमान्य तिलक जो है उनका एक छोटा सा स्टेच्यू है। और काफ़ी सारी पिक्चर्स है, और एक छोटा सा स्टेच्यू यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का भी आप देख सकते हैं ठीक। तो दोस्तों ठीक 2003 में इस जगह को जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया था, तब से इसका देखरेख जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ से ठीक आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है महात्मा गांधी और उनकी जो वाइफ है कस्तूरबा गांधी, उनके अलावा यहाँ पर सरोजनी नायडू को भी यहाँ पर ठीक रखा गया था। तो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। उनका एक स्टैच्यू है पीछे, आप देख सकते हैं। ये जो है ये कस्तूरबा गांधी का एक छोटा सा स्टैच्यू, और बाकी उनसे जुड़ी काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको ये रूम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है सरोजनी नायडू जो है 1942 से 1943 तक ठीक इसी कमरे में रहती थी। यहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। तो चूंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट है वहाँ पर काफ़ी बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया था, तो इसलिए उन्हें बार बार जेल भी जानी पड़ी है। बट उनका ख़राब स्वास्थ्य होने के कारण ठीक उनको बिना किसी शर्त के ठीक इसी जगह से रिहा कर दिया गया था। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो जैसा कि मैं ठीक यहाँ पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर महादेव भाई देसाई जो कि महात्मा गांधी जी के सेक्रेटरी थे। और दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर उनको कैद करके रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से 1944 तक
इसी कमरे में उनको जो है कैद करके रखा गया था, और यहीं पर जो है इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हुई थी। और सिर्फ महादेव देसाई ही नहीं, यहाँ पर जो है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी ठीक इसी जगह हुई थी। मैंने आपको जो है पिछले हॉल में आप दिखाया था, जैसा कि यहाँ पर टोटल 5 हॉल है, तो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था। तो आगे में उनके कुछ जो है ये मेरे ख्याल से शायद मुझे इस साइड जाना पड़ेगा, मेरे लेफ़्ट साइड में जो है, मुझे लगता है कि मेरे लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जो है उनकी समाधियाँ भी बनी हुई है, तो मैं वो भी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। तो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि उनके द्वारा यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ से ठीक बढ़ता हूँ नेक्स्ट हॉल की तरफ। तो अब शायद यहाँ थोड़ी जो रोशनी थोड़ी सी कम है, तो शायद आपको यहाँ से ना दिखे। अब ये वो ठीक वो कमरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी ठीक रहा करते थे। तो इस कमरे को जो है वैसे तो लॉक कर दिया गया है, तो बाहर से ही दिखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ से दिखाने की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो आप कमरा देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 1942 से लेकर 1944 तक जो है महात्मा गांधी जी और उनकी जो वाइफ है कस्तूरबा गांधी जी, ठीक उनको इसी कमरे में रखा गया था, और उनसे जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर ठीक महाशिवरात्रि के दिन 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी जी का निधन हो गया था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। ठीक, ये वही रूम है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और आपको यहाँ से ठीक लेके चलूँगा उनकी समाधि की ओर। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। मैं ठीक अब आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से समाधि की ओर उनकी। तो जैसा कि अभी हम बढ़ रहे हैं यहाँ से महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी की समाधि की ओर, आप देख सकते हैं ठीक इधर मैं ठीक आगे जा रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कस्तूरबा गांधी स्मारक। तो जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दो समाधि बनी हुई है, ये जो है महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो महात्मा गांधी के जो सेक्रेटरी थे वो थे महादेव देसाई, और ये श्रीमती कस्तूरबा गांधी आप देख सकते हैं उनकी भी यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ से घूमकर वापस जा रहा हूँ, और मेरे साथ आप देख सकते हैं दो लोग जो है काफ़ी, ये ईरान से आए हुए हैं और पुणे इनका जो है फर्स्ट विजिटिंग प्लेस है। तो इन लोगों से मैं काफ़ी बातें कर रहा था, इन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा है। और मैं ठीक अब यहाँ से बाहर जाऊँगा, काफ़ी घूम चुका हूँ यहाँ पर, काफ़ी करीबन 19 एकड़ के आसपास ये जगह पूरी फैली हुई है। तो मैं इन लोगों से भी पूछ के देखता हूँ कि इन्हें कैसा लगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर आगा खान पैलेस में आए हैं, मेरे साथ यहाँ पर ईरान से आए हुए कुछ लोग भी हैं, तो ये लोग भी अपने बारे में कुछ बताएंगे, इनको ये जगह कैसी लगी। सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्लेस? हाय, दिस इज फारम फ्रॉम ईरान। इट इज माय फर्स्ट टाइम आई विजिटेड योर सिटी। दिस इज नाइस, अमेजिंग, आई लाइक्ड इट। इट्स वेरी रोमांटिक। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। आई होप यू बी ऑलवेज हैप्पी। गुड नाइट। ओके, सो आई मीन अब मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि इनको यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है, ये थोड़ा ईरानी में कुछ बोलेंगे आप,
Okay, so you can say in Irani. Salam, Ahmad Hassan az Iran. خیلی خوشحال آمدم هندوستان. همه جای هندوستان قشنگه. پونه جای مختلف شما رفتیم. این کاخ رو از قبل در مورد شنیده بودم. مخصوصا به خاطر یادمان مهاتما گاندی. فوق العاده زیبا بود. ممنونم. خدا نگهدار. تو دوستو جیسا کہ میں یہاں پر آج گھوم چکا ہوں آغا خان پیلس جس کے بارے میں میں نے آپ کو کافی ساری باتیں بتائی ہے. بیسیکلی یہ جو ہے یہاں پر یہ جو عمارت ہے ये इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी 2 साल के लिए उनको जो है हाउस अरेस्ट किया गया था. काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है. तो दोस्तों आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मुझे बता दे रहिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं. दोस्तों यदि आप नए नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल पर तो मेरे चैनल चलो चलते हैं को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें. तो दोस्तों मैं ठीक अगले वीडियो में आपको मिलूंगा किसी दूसरी नई जगह पर. तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों. चलो चलते हैं.